फॉर स्किल्स फॉर आईटी जॉब्स, यानी आईटी जॉब्स के लिए आपको डिज़ाइनर और डेवलपर की कौन सी स्किल्स आपको बननी चाहिए, ठीक है। आप सभी ध्यान रखिएगा कि हाई पैकेज जॉब के लिए आपको इंदौर, नागपुर, भोपाल, रायपुर, ठीक है, ऐसी सिटीज में मिनिमम तो जाना ही है, जबलपुर में भी कुछ जॉब्स हैं, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि बैंगलोर, पुणे की तरफ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गुड़गांव की, नोएडा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट्स की पैकेज बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रेफर्ड स्किल आपको कहे गए कि ये स्किल्स आपको अगर आगे तभी आप वहाँ पर जाए, ये तो आपको जाने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं, बड़ी सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला स्किल आपको ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी हाल ही में बात करके देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लीन और मेंटेनेबल कोड लिखना आना चाहिए। आप में से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट है इसको लिख लीजिएगा, क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। आपको ध्यान रखना है कि आप में से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रहे हैं उनको क्लीन कोडिंग लिखनी है और मेंटेनेबल कोड लिखना है, मतलब शॉर्ट कोड्स लिखिए लेकिन अच्छा कोड आप लिखिए। दूसरी जो बात अभी आईटी कंपनी से बात करने में समझ में आई, आपको अप टू डेट रहना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, ठीक है, इसके बारे में जब आपको पता चल रहा है तो आप उस टेक्नोलॉजी को कहीं से भी सीख ले, क्लासेस ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, यूट्यूब से सीखें, लेकिन अप टू डेट आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको किसी आईटी कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में रहने का मौका मिलेगा। तीसरा आपसे जो कहा जा रहा है वो है हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। आजकल ये एक नई चीज़ जोड़ दी गई है कि आपको एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पे अगर लगा दिया जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अभी कंपनी के पास 5 प्रोजेक्ट्स रनिंग में है और आपको मानो पाँचों के पाँचों प्रोजेक्ट्स में आपको कोई मॉड्यूल दे दिए गए, तो आपको पाँचों के पाँचों मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूल बनाने आने चाहिए, ठीक है। आप मना नहीं कर सकते कि सर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा आप कर नहीं सकते। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीट डेडलाइंस। आपको ध्यान रखना आईटी कंपनीज में और सभी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में डेडलाइंस दिए जाते हैं। डेडलाइन समझते हैं, डेडलाइन का मतलब वो डेट जिस डेट में आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट ही करना है, तो डेडलाइन को जो मान सके वही केवल अप्लाई करें। कई लोग क्या होता है डेडलाइंस को मानते नहीं है, या फिर बड़े शुरू से बहुत रेट धीमा रखते हैं और आखिरी में जाके क्या होता है प्रोजेक्ट कम्प्लीट ही नहीं हो पाता और आपकी सैलरी पर बात आने लगती है। तो डेडलाइंस आपको एकदम शुरू से फॉलो रखना है। इसके बाद इफेक्टिव मैनेज प्रायोरिटीज। आईटी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी कंपनीज को आजकल ये कहा जा रहा है कि आपको प्रायोरिटीज मैनेज करना आना चाहिए, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो लाइन से आपको काम देता है, लेकिन आपको इसमें से प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए कि मुझे पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज़ में आप ही को कस्टमर से बात करना, आप ही को मैनेजमेंट से बात करना है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है तो आपको ध्यान रखिएगा आपको बड़ी दिक्कतें होंगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है टीम एनवायरमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबको ये ध्यान रखना है कि अभी जो इंदौर की अभी काफ़ी जॉब्स मेरे पास जो आई हैं, नागपुर की कुछ जॉब्स मेरे पास आई है, लगभग 17 जॉब इंदौर की है मेरे पास पाइथन की, और नागपुर की मेरे पास 12 जॉब्स है पाइथन एंड जावा की मिलाकर। इस समय दोनों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा है, वर्किंग टीम एनवायरमेंट। आपको पहले ही बोल के रखा गया कि जो अकेले अकेले जो रहते थे कल एकदम बात ही नहीं करते किसी से, या हमेशा एक कोने की सीट पकड़ के अलग ही एकदम रहते हैं, ज़्यादा मिलनसार नहीं है। कंपनी से साफ बोल के रखा है मिलनसार एम्प्लॉय भेजिएगा सर, क्योंकि हम ऐसे डब्बे टाइप के एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी नहीं दे सकते हैं, ये साफ मुझे बताया गया। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग भी अगर ज़्यादा बात नहीं करते तो बात करना सीखिए आप लोग। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रॉन्ग रहना ही है, क्योंकि आपको कस्टमर से डील खुद करना है, आपको मैनेजमेंट से खुद डील करना है, कोई भी ध्यान रखता कस्टमर आपके कम्युनिकेशन पुअर होने पर प्रोजेक्ट वापस ले लेता है, क्योंकि जो डील करने जाता है अगर वो बात ही ना कर पाए तो कैसे प्रोजेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे एडमिशन जब लेते तो एडमिशन लेते समय हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन पार्ट एडमिशन का जो है वो सभी सर देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका कम्युनिकेशन स्तर, और उसके बाद फिर सेकेंड लेवल टेक्निकल जो है वो बात मेरे से होती है, तो हम लोग दोनों ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मजबूत ना करें तो बच्चा तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज रहती है और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो तो वापस जाएगा। नेक्स्ट आपको आईटी कंपनी से साफ बता के रखा है इमेजिनेशन आपके होने चाहिए, यानी आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आने चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
ये जॉब्स में आजकल नीचे लिखा रहता है और ये एचआर ये टेस्ट करता है, जो तुम्हारा एचआर राउंड हुआ ना जो तुम्हारा, तो एचआर राउंड में ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों की टेस्टिंग एचआर पहले ले चुका था कि आप इमेजिनेटिव है कि नहीं है, दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है कि नहीं है। और ऐसा तो नहीं कि सर आपके दिमाग में कुछ नया आ नहीं रहा, बड़ी दिक्कत है, क्रिएटिविटी भी उसी का ही दूसरा नाम है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, हर चीज़ को अलग अलग ढंग से करने का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आईटी कंपनी साफ कहती है कि आप एक ही चीज़ को अगर बहुत बेहतरीन ढंग से अगर बता सके तो वेल इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ पेशेंस के बारे में। आईटी कंपनी कहती है अधीर एम्प्लॉय नहीं चाहिए, ये जो बात बात में जिनको गुस्सा बहुत आता है या बात बात में कोई कोडिंग चल नहीं रही है, कोई काम हो नहीं रहा है, या हो सकता है कि उस दिन आपका दिमाग अपसेट था तो आपसे कुछ टास्क हो नहीं पाए, तो कई लोग अधीरता दिखाते हैं, सामान पटकेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, चेयर पटकेंगे, मोबाइल पटकेंगे। इम्पेशेंट लोग आईटी कंपनी में और किसी भी बड़ी कंपनी में अलाउड नहीं है। मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरे सेक्टर्स की भी। इम्पेशेंट लोग कभी भी एमएनसीज में आप देखिएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में इम्पेशेंट लोग नहीं रहते, उठा उठा के पटक रहे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अटेंशन टू डिटेल, आपको ध्यान रखना है जो आपका हेड जो है, जो आपका एचआर है, जो हेड है आपका, जो आपको काम दे रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनना। आईटी कंपनी में या किसी भी बड़ी कंपनी में ध्यान रखिएगा रिपीट नहीं किया जाता किसी बात को, एक बार बोला गया आपको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए आपकी बड़ी दिक्कतें आ गई, इसलिए उस समय कई बार मोबाइल बंद करवा दिया जाता है कि मोबाइल बंद करके आप पहले जमा कर दीजिए, क्योंकि आपको जो टीम हेड जो है आपका वो मुश्किल से आधे घंटे एक घंटे आपको डेमोस्ट्रेशन देकर चला जाता है और उसका और भी काम रहता है, तो उस समय ध्यान रखना आपको अटेंशन के साथ सुनना पड़ता है। और कंपनी मीटिंग्स भी जो होती है उनमें भी ध्यान रखना अटेंशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इस दौरान ध्यान रखना ना बॉस फोन उठाता है ना एम्प्लॉयज फ़ोन उठाते हैं, बहुत बड़े स्तर की मीटिंग्स होती है। कभी अगर आप YouTube में देखिएगा, ऐसा कोई अगर वीडियो आपको देखे तो आप देखिएगा बहुत बड़ी स्तर की मीटिंग्स इस तरीके से होती है। एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, जो आपका टीम लीडर है वो ध्यान रखिएगा आपको काम बताएगा पर उस काम को एनालाइज आपको करना है, जैसे मेरा काम है बताना, उसको एनालाइज किसको करना है, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, उससे मीनिंगफुल चीज़ों को निकालना किसको, आपको, मैंने आज जैसे पॉइंट्स आपको लिखाते जा रहा हूँ, अब इस पॉइंट्स का एनालाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है, और उससे कुछ मीनिंगफुल निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो ये ध्यान रखिएगा एनालाइजिंग पावर बहुत तेज होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है मिल्क फीडिंग कोई नहीं कराएगा, मिल्क फीडिंग समझते हैं कि मतलब आप कहते बच्चों टाइप का, मुँह में कोई दूध नहीं मिलाने वाला, आपको ये ध्यान रखना है हर काम जो है वो अपने दिमाग से करना है, सामने वाला केवल कहेगा करना क्या, कैसे करना आप सोच लो, और रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो आपकी जॉब खतरे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिमाग को अच्छे से यूज़ करें। कम्युनिकेशन स्किल इसके पहले आ ही चुका है तो कम्युनिकेशन स्किल को मैं अलग कर रहा हूँ। नेक्स्ट है टेक्निकल एबिलिटी, आप में से कई लोग जो सॉफ्टवेयर्स और लैंग्वेजेस की पढ़ाई करते इस तरीके से कि बस एग्ज़ाम पास हो जाए और उसके बाद भले ही हमारी नौकरी लगे ना लगे, इनको विशेष मैं बता दे रहा हूँ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, अपनी टेक्निकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर्स की या लैंग्वेजेस की तैयारी करें, जो भी पढ़ाई कर दें उसको अच्छे डीप लेवल पर करें। कारण क्या है, आपकी डिग्री जस्ट एक एंट्रेंस का पास है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है बड़ी कंपनीज में आपका टेक्निकल एबिलिटी देखा जाता है कि जो भी पढ़ के आए हो अच्छे से पढ़े, के मैनेजमेंट किया हो तो मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है तो इकोनॉमिक्स आना चाहिए, आईटी में पढ़ाई की है तो आईटी में आपको मास्टर होना चाहिए, मतलब आपके काम बोलना चाहिए, डिग्री कोई नहीं देखता, किसी को मतलब नहीं है एक बार सिलेक्शन हो जाए तो। और एक्सेलेंट आईटी स्किल्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपके आईटी स्किल्स एक्सेलेंट है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको ध्यान रखना एक्सेलेंट बंदों को सैलरी पैकेज सबसे ज़्यादा हाई ऑफर की जाती है कंपनीज में, ये पॉइंट सब लिखते जाइएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जितना बड़ा पैकेज आप चाहते हैं उतना बड़ी आपको एक्सेलेंसी किसी एक फील्ड में तो लाना पड़ेगा। और एक्सेलेंट कैसे बनोगे, इधर देख लो, ठीक है, और दीवार में क्या देख रहे हैं, इधर देखिएगा, तो एक्सेलेंट कैसे बनोगे, क्योंकि ध्यान रखना आपकी अभी लड़ाई है पैकेज को लेकर, कितने बड़े पैकेज में आप पहुँच सकते हो अभी आपके लिए चुनौती ये है। आप में से जो अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, जिसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, वो बंदा बहुत लंबे पैकेज में जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी पढ़ाई कमज़ोर है तो पैकेज में छोटे पैकेज में जिंदा रहेगा, और छोटे पैकेज में ध्यान रखना जीवन चलाना आजकल इतना आसान रहा नहीं है, अब महंगाई को देखते हुए पैकेज क्या चाहिए आपको, हाई तो एक्सेलेंट बनी है, सिर्फ आई टी की बात नहीं कर, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी आपने किया आपको एक्सेलेंट उसमें बनना पड़ेगा, नहीं तो कहानी बड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद तो ये मैंने पहले स्टेप्स सेट मैंने आपको बताया, जिसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं और कर देंगे।